एपिसोड की स्टार्टिंग में अमा ने माहिर को देख के कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और उसके सर पे बाल लगे हुए होते हैं और उसके पैरों में चोट लगी होती है। जब अमा ने पूछता है कि क्या हुआ तो बहाने बनाती है और फिर कह देती है कि वो मैं कैट को बचाने की कोशिश कर रही थी जो पेड़ के पास गई थी। अमा ने उसके पैरों में चोट लगी हुई देखता है और फिर कहता है, तुम यहीं रहो, मैं अभी आया। और फिर थोड़ी देर बाद वापस आता है और उसे कहता है, अपने टाइस निकालो, और अपना जैकेट देता है उसके पैर ढकने के लिए और उसके बाद उसको मरहम पट्टी करता है और अपना पैंट देके कहता है, इसे पहन लो, तुम अभी टाइस नहीं पहन सकती क्योंकि तुम्हें चोट लगी और मैं इसे बांधा है जिसकी वजह से ये तुम नहीं पहन पाओगी। फिर उसे जैकेट भी देता है ताकि उन्हें कोई देखे नहीं और अपने कंधे पर उठा के उसके घर ले जाता है। एंड माहिरू कहती है, थैंक्स पूजनिया, और वो चला जाता है। तो दूसरे दिन हम स्कूल में देखते हैं कि वो शॉर्ट्स पहन के आया होता है क्योंकि उसकी पैंट तो माहिरू के पास थी और उस पर उसका दोस्त उसका मजाक उड़ा रहा होता है। और उनके साइड में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम काडोवाकी होता है और उसके लिए लड़कियाँ चिल्ला रही होती है। तभी यीशु की कहता है, ये हमेशा ही पॉपुलर है, उसका निक नेम प्रिंस होता है और अमाने को कोई घंटा फर्क पड़ता नहीं है उससे। और वो कहता है, एक साथ पढ़ते हैं लेकिन हमने कभी बात नहीं की। हमारे माहिरू को देखता है लेकिन माहिरू उसे देख के स्माइल करती है और साइड में खड़े लड़के ये देख के खुश हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं कि उसने मुझे स्माइल दिया। नेक्स्ट सीन में अपने माहिरू अमाने को आप उसके कपड़े और खाना देने जाती है। तब अमाने कहता है, तुमने तो एक स्माइल में लड़कों के बीच आग ही लगा दी। फिर माहिरू कहती, क्या एक स्माइल उनको इतना खुश कर देती है? वो ऐसा पूछती है। फिर अमा ने कहता है, अगर एक खूबसूरत लड़की उनके सामने स्माइल करेगी तो ऐसा ही होगा और लड़कियों का भी ऐसा ही है। जैसे कि कारोवाका के हाथ हिलाने से लड़कियां पागल ही हो गई थी। माहिरू कहती, ओ अच्छा, वो पॉपुलर लड़का? अमा ने कहता है, तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो ना? माहिरू ना कहती है और फिर बोलती है, दिखने में तो अच्छे होने से अगर फीलिंग होती तो तुम्हारे अंदर मेरे लिए नहीं होती, तो तुम्हें पता है कि तुम कितनी क्यूट हो। और माहिरू कहती है, ये इम्पॉसिबल है, इग्नोर करना कि सब मेरे पीछे पड़े हैं और मुझे पता है कि मेरे फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। माहिरू ने उसके लिए एक स्पेशल खाना बनाया होता है। उसे कहती है, इसे माइक्रोवेव में फिर से गर्म कर लेना। एन अमा ने कहता है, मुझे फ्रेश खाना खाने का मन करता है। फिर उसके बाद माहिरू बोलती है, अगर हम दोनों पैसे बांट ले आते आते तो मैं तुम्हारे घर में खाना बनाने के बारे में सोच सकती हूँ। फिर अमा ने बोलता है, मेरे लिए ये सही रहेगा, लेकिन क्या तुम्हें अपनी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है? फिर वो कहती है, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे अखरोट तोड़ दूँगी। और अमा ने वो सुन के डर जाता है। माहिरू कहती है, मुझे नहीं लगता कि अब तुम कुछ ट्राई करने का कोशिश करोगे, और हाँ, मुझे नहीं लगा कि मैं तुम्हारे टाइप की हूँ। एंड अमा ने कहता है, अगर होती तो? माहिरू बोलती है, अगर ऐसा होता तो तुम मेरे पीछे पीछे भागते और मैं तुमसे दूर चली जाती। फिर वो दोनों कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि दोनों खाने के पैसे बराबर बांटेंगे, लेकिन अमा ने थोड़े ज़्यादा पैसे देगा क्योंकि माहिरू उस काम करेगी। अगर किसी भी वजह से साथ में डिनर नहीं कर सकेगा ये बता देना होगा। एंड क्लीनिंग एंड शॉपिंग का काम बापा इसमें बांट लेते हैं। दूसरे सीन में माहिरू खाना पका रही होती है और अमा ने इसे वेट करने को कहती है। तभी अमा ने एक साइड में बैठ जाती। तभी अमा ने अपने माइंड में सोचता है, शायद मुझे मेरी वाइफ मिल गई। और तभी माहिरू उसे देख के कहती है, तुम कुछ उल्टा तो नहीं सोच रहे? तभी अमा ने कहता है, अजीब चीज़ें मत सोचो। अमा ने खाना खाता है, उसे बढ़िया लगता है। खाते खाते वो उसकी तारीफ करता है एंड खाना खाने के बाद कहता है, क्या तुम्हारा मेरे साथ ऐसे खाना खाना ठीक है? वो कहती है, नहीं होता तो मैं तो क्या मैं तुम्हें सजेशन देती? फिर अमा ने कहता है, क्या ये नॉर्मल है ऐसे बंदी के लिए खाना बनाना जिसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं करती? माहिरू कहती है, तुम्हारी लाइफस्टाइल काफ़ी अनहेल्दी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। और अमा ने कहता है, फिर भी? माहिरू कहती है, तुम्हें अगर खाना बनाने से इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे खाना नहीं बनाना चाहिए। अमा ने तभी कहता है, नहीं तुम्हें बंद मत करो। नेक्स्ट डे स्कूल में उनका टेस्ट होता है और उसके बाद यीशु की आके कहता है, अमा ने तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? तब अमा ने कहता है, ना ही ज़्यादा अच्छा ना ही ज़्यादा बुरा, सेम।
ठीक ठाक ही गया है। यीशु को कहता है, फिर भी टॉप 30 स्कोर है तुम्हारा। और अम्मा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्योंकि मैं लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। फिर भी गर्लफ्रेंड होना बढ़िया है, यीशु की कहता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है चिटोसे। तभी यीशु की उसके हाथ सर पे हाथ पे फेरता है। अम्मा ने कहता है, तुम काफ़ी बेशर्मा हो। यीशु की कहता है, अपने गर्लफ्रेंड के सर पर पैट करना नॉर्मल है। एंड नेक्स्ट सीन में अम्मा ने घर पर माहिर को पढ़ते हुए देख के खुश होता है, क्योंकि माहिर ने नेक्स्ट ईयर का भी निपटा लिया था। और अम्मा ने कहता है, तुम काफ़ी हार्ड वर्क करती हो। फिर वो कहती है, मुझे करना पड़ता है और मैं करती हूँ। फिर वो जाने लगती है, तभी उसका आईडी कार्ड गिरा देती है। अम्मा ने उसे उठा के देता है और उसे पता चलता है कि उसका बर्थडे 4 दिन बाद है। नेक्स्ट दिन में माहिर खाना बना रही होती है। तभी माहिर अम्मा ने पूछता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तभी वो बहुत सोच के कहती है, एक शार्पनिंग स्टोन। अम्मा ने वो सुन के शॉक हो जाता है, हाई स्कूल गर्ल को वो क्यों चाहिए? एंड द नेक्स्ट डे वो अपने दोस्त इसुकी से पूछता है कि एक लड़की को क्या गिफ्ट दूँ। इसुकी एक हैंड क्रीम ठीक रहेगा, ऐसे ही कहता। छुट्टी होने के बाद अम्मा ने चिटो से पूछता है कि क्या गिफ्ट देना चाहिए एक लड़की को। चीटो से उसे उस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा बताता नहीं। चीटो से उसे सजेस्ट करती है कि उसे एक स्टफ टॉय दो। और अम्मा ने कहता है, लेकिन मेरे जितने एज वाले लड़की को अगर शॉपिंग काउंटर पे स्टफ टॉय मांगना मेरे लिए काफ़ी अजीब होगा। एंड वो चीटो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ शॉपिंग भी चले। एंड चीटो से कहती है, मुझे कुछ मीठा खाना है। तो अम्मा ने कहता है कि मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगा। एंड चीटो से मान जाती है शॉपिंग के लिए। एंड द नेक्स्ट सीन में अम्मा ने कहता है और माहिर को खुश देता है। एंड वो कहती है, ये क्या है? फिर अम्मा ने कहता है कि तुम्हारा बर्थडे है ना आज, क्या तुम भूल गए? वो कहती है, नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो अभी तक किसी को बताया भी नहीं। एंड अम्मा ने कहता है, तुम्हारे स्कूल आईडी से पता चला। एंड माहिर कहती है, तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए था, वैसे भी मुझे बर्थडे पसंद नहीं और ना ही मैं उसे सेलिब्रेट करती हूँ। तो अम्मा ने कहता है, तो ठीक है, तुम इसे मेरा थैंक समझ के रख लो जो भी तुमने मेरे लिए अभी तक किया है। माहिर उसे देखती है और अपना गिफ्ट खोलती है, तो उसमें एक हैंड क्रीम होती है और बैग के अंदर और भी कुछ होता है। वो अपना हाथ डाल के निकालती है और एंड वो एक टेडी बेयर होता है। अम्मा ने कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुम इसे फेंक सकती हो। माहिर कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं मिला। अम्मा ने हैरान होकर पूछता है, लेकिन तुम्हारे जैसी पॉपुलर गर्ल के पास तो ऐसे काफ़ी गिफ्ट आते होंगे। माहिर बताती है कि कभी उसने भी अपना बर्थडे नहीं मिला क्योंकि उसे बर्थडे पसंद नहीं। मैं काफ़ी नर्वस हो जाती हूँ गिफ्ट्स लेने में, मैं अजनबियों से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती। अम्मा ने कहता है, लेकिन तुमने ये ले लिया? और वो कहती है, हाँ, क्योंकि तुम स्ट्रेंजर नहीं हो। एंड वो सुन के अम्मा ने बहुत खुश होता है और अपना हाथ माहिर के सर पे बढ़ाता है। तभी उसे यीशु की बात याद आती है कि जीएफ के सर पे पेट करना एक नॉर्मल बात है। फिर खुद को कंट्रोल कर लेता है। एंड माहिर कहती है, क्या हुआ? वो कहता है, कुछ भी नहीं। एंड माहिर कहती है, थैंक्स फूजी अम्मा। एंड द एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। मेरे फर्स्ट एपिसोड में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से थोड़ा उल्टा फुल्टा हो गया था, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लीज़ यार लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करते देना। एंड मैं मिलूँगा आप नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक टेक केयर।